श्रीकांत त्यागी जी के समर्थन में आए हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा, उन्होंने अभद्र शब्द का यूज किया है तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है सर, उनको प्रवोक करा गया। आप किसी को मतलब औरत कुछ भी कर सकती है, मैं मानती हूँ, मैं खुद औरत हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एक महिला को अशब्द बोलना कुछ गलत है? आप उनके समर्थन में मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप अभद्र शब्दों का यूज नहीं कर सकते हो, आपको राइट ही नहीं है एक औरत। नहीं सर, व्हाट आई सेड, लिसन टू मी प्रॉपरली, आपको आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा सर, कि गाली देने के लिए उनको प्रोवोक करा गया, अगले ने दी गाली तो एक्सेप्ट भी करी, सॉरी भी है वो इसके लिए। आप सॉरी क्यों नहीं ले रहे उनका? आप उस चीज को ज्यादा ब्लिंक करो, गाली दे दी गाली। 100 लोग गाली देते हैं महिलाओं को ट्रैवल करते हुए, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हो? कॉलेजों में दी जाती है, इतना अब्यूजिंग करा जाता है, सोसाइटी में आप बैठने नहीं देते हो, कहीं पे आप खड़े नहीं होने देते हो, आप ये पहनो आप वो पहनो, आप ही रूल रेगुलेशन बनाते हो औरतों के लिए। और औरत अगर जरा सी गाली, वो तो इतना ब्लिंक हो रहा है, चलो ठीक है अगले ने गाली दी सॉरी भी है, वो सॉरी ले लो ना प्यार से, इस चीज को कट करके आप दूसरी चीज देखो ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। 36 घंटे उस लेडी को क्या फील हुआ होगा, कि वो कैसे उसके बच्चों के साथ क्या फील हुआ होगा, यू नो कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी कुंठा में होगी। आप एक घंटे भी एक कमरे में बंद नहीं हो सकते सर, आज कौन सा जमाना है युवा, आप 22वीं 21वीं कौन सी सदी में जी रहे हो? सांसद कह रहे हैं हमें शर्म आ रही है, हमारी सरकार ऐसा हो रहा है यहाँ पर। सर पहले उनको बोलो कि वो शर्म का कारण ढूंढ ले अच्छे से, फिर उसके बाद शर्मा लेंगे। ठीक है, शर्म का क्या होती है? शर्म औरतों से बताते हैं ना औरतों को, पहले खुद भी देखें कि हाउ टू टॉक गर्ल्स, समझ लो उसके बाद पूछे। तो सांसद साहब गलत कह रहे थे? नहीं, कोई भी गलत नहीं है, मैं किसी के लिए भी नहीं बोलूंगी, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगी कि कौन गलत। देखिए श्रीकांत, पूरे मामले में आपको गलत क्या नजर आया, उसमें क्या गलत आपको लगा जो नहीं होना चाहिए और जो हो गया? देखिए औरत के साथ मिसबिहेव होता है, औरतें चिल्लाती भी है, बोलती भी, कई बार नहीं भी होता, वो नाटक भी करती है। आप लिटरेचर को उठा के देखिए, महिलाएं वहां मिठाई बांट रही, कह रहे हैं इसका आतंक था यहाँ पर त्यागी का। सर औरत के चरित्र का चित्रण कोई भी नहीं कर सकता, प्रेमचंद्र जी ने। सारी महिलाएं गलत थी फिर, वो कैसी महिला गलत है? मैं महिला के समर्थन में हूँ सर, आप गलत फहमी में हैं। मिठाई बांट रही थी ना, देखिए सारी। सर आप सुनिए, अगर जानना चाहते हैं, प्रेमचंद्र जी ने औरत के चरित्र का पूरा चित्रण किया है कि औरत को कैसे ऊपर चढ़ाया जाता है, कैसे समाज में लाया जाता है, क्या उसके साथ करा जाता है, यही समाज उसको गंदगी में मिलाता है और यही समाज उसको नीचे भी गिराता है। एक अगर एक महिला चाहती है या बोलना भी शुरू करे ना, कहते चुप रहो धीरे बोलो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, है ना रूल रेगुलेशन, आप बोलने तो दो, आगे तो आने दो, संविधान आ जाते। मैं 21 तारीख को इतनी महिलाएं लाऊंगी ना आपके सामने, वो सब महिलाएं आपको अलग तरीके से समझाएंगी। किसके समर्थन में लाएंगे आप? श्रीकांत जी के, कि वो निर्दोष है जी। फिर वही सवाल मेरा, आपको क्यों लगता है वो निर्दोष है? सर आप सबके नजरिए को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो निर्दोष क्यों है। मेरा नजरिया अलग है, आपका अलग है, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, राइट और रॉन्ग दो वे होते हैं। जिस सोसाइटी में वो रहते थे उस सोसाइटी की महिलाएं मिठाई बांट रही हैं, कह रही हैं अच्छा रहा। आपने देखा है आपके पास फोटो से मिठाई बांटते हुए, कौन सी मिठाई बांटी थी मैडम? यू नो अबाउट दैट, विच काइंड ऑफ मिठाई आपने देखा? नहीं शायद मैं अंधी हूं, तभी तो मैं पूछ रही हूं। मान लीजिए मैंने देखा और आपने भी देखा है, तो आप भी बता दीजिए कौन सी मिठाई थी, कौन सा डब्बा था, कौन सी अग्रवाल स्वीट थी। फोटो वायरल हुए, वीडियो शेड, मैम शायद मैंने देखा ही नहीं, तभी तो मैं पूछ रही हूं, आप ही बता दो। ये जो प्ले होता है मैं बचपन से खेलती आई हूं, ये शब्दों का ना मैं बाय डिफॉल्ट ना लिटरेचर से बात कर रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कहां कहते कैसे करते हैं मुझे अच्छी तरह पता है। महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, महिला के नाम मैं खड़ी हूं उनके साथ, आप उसका जवाब दे दो ना। 36 घंटे उसके साथ क्या हुआ, उस लेडी के साथ, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ, अनु जी के साथ क्या हुआ, अनु जी के साथ क्या हुआ, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? गाली में तो बड़ा ब्लिंक कर रहे हो, 36 घंटे क्या फील करा उसको, वॉशरूम में कितना दिक्कत हुआ होगा आपको पता है, औरत वॉशरूम नहीं जा पा रही तो उसको क्या क्या फील होता है, टॉयलेट पिक्चर बन गई। लेकिन आज के टाइम में दिल्ली में भी लेडीज के लिए कोई टॉयलेट अच्छा नहीं है। मान ले जाए परिवार के साथ गलत हुआ, लेकिन श्रीकांत ने तो गलत किया ना, देखिए हिज गिल्टी ले लो। पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जब अरेस्ट कर लिया गया वो अरेस्ट नहीं करे गए, उन्होंने वो अरेस्ट नहीं करे गए मैडम, आप मिथ में है, उन्होंने समर्पण दिया है। अच्छा लेकिन पहले फरार थे? नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, वो चाह रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे सरेंडर करने की, सरेंडर करने की, ये सोचने की आगे क्या बोलना चाहिए, नहीं सरेंडर करने की मैम। अच्छा एवरी पीपल डू प्रॉपर वे, स्टेप बाय स्टेप होता है, समझ रहे हो? वो लीगल वे में काम कर रहे थे और लोग इनलीगल वे में, सॉरी यूपी की पुलिस लगातार 3 दिन उनको तलाशती रही है। मैडम एक बात हम भी सुन ले, हमें पूछो आप बताएं। हाँ क्या 3 दिन यूपी की पुलिस लगातार उन्हें तलाशती रही? मैडम ढूंढती रही, तभी तो आप कह रहे हैं ढूंढ रही है। हाँ। आप मुझे थोड़ा सा प्रूफ दिखा दीजिए कि वो कहाँ कहाँ जाके ढूंढा उन्होंने, कहाँ टीम बनाएंगे सर, ये बनाए
बनाई गई, बनाई गई, फॉलो अप लिया गया। आप ये नहीं देख रहे उन्होंने सरेंडर भी किया, वो तो तैयारी के साथ आए थे सरेंडर करने। अरे हथियार ले रहा था क्या भैया, वो हथियार ले रहा था क्या, उग्रवादी था क्या, नहीं है किसका गला काटा क्या उसने? नहीं बिल्कुल सही कह रहे सर, काटना हो हथियार ले रहा हो। अगर मैं आपके घर पे जाऊँ, आपके घर पे आप क्या करोगे मेरे साथ, आप बताइए? आदर सम्मान उसके घर पे लड़ने जाओगे वो क्या करेगा आदमी? उनने किसे गला काटा? महिला घर पे गई थी, हाँ घर पे गई थी, वो तो अतिक्रमण कर रखा था उसने। मैडम कह रहे थे क्या नंबर क्या है बताओ, जो अनुथाई कह रहे हो ना आप 300 पहले उठाए 300 तुड़वाओ सारे आप, सही कह रहे हैं। यही क्यों तोड़ा था अथॉरिटी ने? वो जीती महेश शर्मा ने तोड़वाया, महेश शर्मा है पूरा रोल, महेश शर्मा 100% प्री प्लानिंग है हो सकता है, प्री प्लानिंग है। युवा नेता को आगे ना बढ़ने दिया जाए, अच्छा मतलब युवा नेता को आगे ना बढ़ने दिया, बिल्कुल। पहले बीजेपी के सभी लोग कह रहे थे हमारी पार्टी से नहीं है, जब उनके फोटो वायरल हुए तो कहने लगे ये पार्टी के। मेरे अभी साथियों ने बोला, बीजेपी जो भी मेरे साथी अभी यहाँ मेरे साथ थे उस झंडे वाले सीन के टाइम पे, मेरे सभी साथियों ने बोला कि वो उनके साथी थे, उनके उन्होंने गलत व्यवहार करा, उन्होंने एक्सेप्ट करा ही सॉरी, और वो बोल रहे हैं कि उनके पास सबूत है ना सर, बिल्कुल वो हमारे साथी हैं, वो ट्राई कर रहे थे, उनसे कोई गलती हो गई, उनको गुस्सा दे। देखिए ये मन है जिसमें चार भाव होते हैं, गुस्सा प्रेम प्यार है ना कुंठा, समझ देखिए मैं बता रही हूँ इसका अर्थ बता रही हूँ क्या है, क्या है विच काइंड ऑफ व्यवहार ये, समझ रहे आप, समझिए अगर जानना है तो ये मानव का भाव है। अगर आप थके हुए हैं तो आप थका हुआ दिखाएंगे, अगर आपको गुस्सा आएगा तो आपको राइट है यार गुस्सा दिखाने का, आपको खुशी हो रही है तो आप हंस रहे हो ना, इधर आइए सर। अथॉरिटी ने तो गलत साबित, देखिए सर मैं ज्यादा नहीं बोलती, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य एक दिन चीर फाड़ के सामने आएगा और कौन गलत कौन सही सामने आएगा। मैं 21 तारीख को कोशिश करके ये भी साबित करने की कोशिश करूंगी अपने बड़े लोगों का, सर कोर्ट में आप ऐसे चले जाओगे, आप पहले FIR लिखवाना पड़ता है लीगली वे, गो टू द स्टेप बाय स्टेप। FIR भी नहीं हो रही आपकी, नहीं कोई सुनवाई नहीं सर, अब चलिए मैंने विचार करें, मुद्दा पे बात करते हैं जी, मीडिया बंधुओं से बाद में बात कर लेंगे जी, करना हम ही लोग को है ना, मीडिया बंधुओं को पता है नहीं कुछ, महिला पुलिस नहीं। मैम तब आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप रात को चले जाते, आप मेरे साथी बन के आप भी तो महिला है मैम, आपको भी जाना चाहिए था, आप आधी रात को एक औरत के लिए खड़े होते ना, मुझे पता होता कौन से कैसे कैसे कहाँ किस तरीके से हुआ, मैं जान नहीं सकती थी ठीक है, मुझे थोड़ा मेरी खुद भी तबियत खराब थी, मैं क्या ही बहाना दूं कि अगर मौका मिलता तो डेफिनेटली आई गो। तो क्या लगता है यूपी सरकार या फिर यूपी पुलिस की गुंडागर्दी? नहीं मैं यूपी से ही हूं और यूपी सरकार कोई गुंडागर्दी नहीं करती है। परशुराम जी ने एक बात कही थी अत्याचार, या तो अत्या कर लो या अत्याचार। मुकदमा दर्ज होना था श्रीकांत पे, उपलब्ध कराए थे हमें, आप ये बताइए 8 गनर कहाँ से आए थे उस पर? सोसाइटी में 8 गनर अगर लेके रह रहे थे, 8 गनर लेके जब गैल घूम रहा था तो पुलिस को ढूंढने की क्या जरूरत थी? फिर उसमें छेड़छाड़ का मुकदमा बनता 523 506। मेरा नाम ज्योति ओझा है, मैं स्टेट इंचार्ज ऑफ हरियाणा हूँ दुर्गा शक्ति दुर्गा वाहिनी, अभी मैंने रिसेंट ज्वाइन किया है, तो आई ट्राई टू यू नो बहुत टाइम से मैं वेट कर रही हूँ कि युवा को बोलने दिया जाए, एक औरत बहुत लंबी लड़ाई लड़के आती है कुछ बोलने के लिए प्रेजेंटेबल होना चाहती है, तो आई ट्राई। रोक रहा आपको बोलने से? सर कोई रोक ही नहीं सकता, औरतों की आवाज़ बहुत बुलंद है, थोड़ा टाइम लगेगा बोलेंगे। जंतर मंतर पर क्यों आए सर? हम जंतर मंतर में आए।